फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार के बेसर की रिपेयरिंग करेंगे। जो इसका साइज है वो राउंड अबाउट 16 इंचज है, और जो इसकी कंपनी है वो कैनवुड की है, और इसका जो सा मॉडल नंबर है वो 3010DVC है, और इसके ऊपर इसकी पावर लिखी हुई है पीक पावर 2000 इंडिपेंडेंस 4 ओम प्लस 4 ओम और मेड इन चाइना। इस बेसर का प्रॉब्लम यह है कि जब साउंड अप्लाई होता है तो इसकी जो सी कॉइल है वो साइड पे टकराती है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने इस मेटल स्ट्रिप को रिमूव करना है, और इस मेटल स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए आप नुकीली नाइफ का इस्तेमाल करेंगे, और आपने इसको उठाना इसकी जगह से। जैसे ही आप इसको उठाएंगे, इसके नीचे एक और इस तरह का पेपर होगा, जिस तरह का हमारा पर्दा है सेम इसी तरह का पर्दा यहाँ पर यूज हुआ अंदर। आपने उसको कट कर लेना है, और उसके बाद जो चीज निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी। फ्रेंड्स, हमने इसका मेटल स्ट्रिप को भी रिमूव कर दिया, और इसका दूसरा साइड का पेपर था पर्दा, हमने उसको भी कट कर दिया। ये बेसिकली प्लास्टिक का पर्दा है, और अब हमें एक मेटल स्ट्रिप प्लस साइड पे जो सी है वो कॉइल नजर आ रही है। जो सी इसकी कॉइल है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर है, किसी किस्म का कोयल में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो इसकी कोयल है वो साइडों से टच हो रही है। और अगर मैं इस कोयल को ऊपर पुश करूं, फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कोयल को उठाने लगाऊं, फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं कि जो सी ये वाली साइड है वहां से रगड़ खा खा के कोयल का जो सा कलर है वो चेंज हो चुका है, वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, और बाकी जो सी सारी कोयल है वो हमारी ओके है, वहां पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिर्फ फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारी जो सी कोयल है वो साइड्स पे टच हो रही है। हमने क्या करना है कि हमने कोयल को ऊपर उठाकर तो इस साइड को पीछे की तरफ बहुत जोर जोर से प्रेस करना है। जब आप काफी जोर जोर से प्रेस करते रहेंगे, और आपने इसको ऐसे अप डाउन करके चेक करना है कि अब आपकी कोयल नीचे टच हो रही है या नहीं हो रही, तब तक आपने इसके जो सी साइड्स हैं उसको अवे करते रहना, यानी कि पीछे को प्रेस करते रहना है। हम इसको अच्छी तरह प्रेस करके फिर इसके ऊपर साउंड अप्लाई करके चेक करते हैं कि अब हमारी कोयल जो सी है साइड पे टच हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स, हमने जो उनसे स्पीकर है इसको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो कोयल साइड्स पे टच हो रही थी, हमने उसको उठाकर पीछे की तरफ इतना प्रेस किया कि अब वो साइड्स के साथ टच नहीं हो रही, और अब हम इसके साउंड का टेस्ट करेंगे कि अब जो थी हमारी कोयल है वो साइड्स पे टच हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स, हमने साउंड को अप्लाई करवा दिया है, और अब हम इसका साउंड चेक करेंगे कि ये टच हो रही है या नहीं। अब आप भी नोटिस कर सकते हैं कि हल्की हल्की टच हो रही है। हमने ये स्टेप कौन सा अगेन रिपीट करना है, ये जैसे ही हम स्टेप रिपीट करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने अगेन अच्छी तरह बहुत जोर जोर से प्रेस कर दी है जहाँ से कॉइल टच हो रही है, और अब हम इसके ऊपर दोबारा साउंड को अप्लाई करते हैं। Thank you.
रेंट जब इसकी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रह गई है वो जब इसके ऊपर बार बार साउंड अप्लाई होता रहेगा, तो जो इसकी साइड टच हो रही थी या हो रही है बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी है, वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।